हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल नई पुरानी रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एकदम नया आसान और बहुत ही हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम पोहा से बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसे आप बहुत कम तेल या घी में बना सकते हो और बहुत कम समय में बन जाते हैं और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले एक कप पोहा लेंगे, थीक वाला पोहा है, जो मोटा वाला पोहा आता है वो लेंगे। इसके बाद इसको हम डाल करके पॉट में और बढ़िया से इसको दो तीन पानी से रगड़ करके इसको साफ कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी हम डालेंगे और इतना ही गर्म पानी डालेंगे जितना में कि पोहा अच्छे से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इक्वल कर देंगे, बिल्कुल एक जैसा। अब इसको ढक करके हम आराम से 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि पोहा जो है अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। ठंडा पानी से भी आप इसे कर सकते हैं पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पानी मैंने डाला था सबको पोहा ने बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया, बहुत अच्छे से पोहा फूल गया है। अब इसको मिक्सी जार में डाल के बगैर पानी के इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा सा मोटा ही पेस्ट रखना है इसका, मतलब बहुत इसको बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हो गया, अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज और इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए, उसको कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। इसके बाद इसमें लेंगे थोड़ा सा जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे और भी कोई स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ बेसिक मसाले हो गए, गरम मसाले हो गए, धनिया पाउडर हो गया, मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो इसमें कुछ भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। इसका एक डो बना करके आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब थाली में क्या करना है, घी या तेल से थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ऐसे हम बर्फी जमाने के लिए कुछ ऐसा सेट करते हैं हलवा कट करने के लिए, तो उसी तरीके से इसको हम डाल करके बढ़िया से सेट कर लेंगे। और इसके जो दोनों साइड है इसको हम काट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे जो भी आप जितना बड़ा या छोटा जैसे भी पीसेज में आपको कट करना है उस तरीके से आप मनपसंद पीसेज में इसको कट कर ले। तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके ले लिया है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा दिख रहा है। इतना ही मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको। इधर तवा भी गर्म हो गया है, 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे, एक एक करके सारे पीसेज को हम इस पर डाल देंगे और अलटते पलटते हुए थोड़ा बहुत ऊपर से घी डाल करके इसको अच्छे से हम तल करके ले लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, जब भी छोटी मोटी भूख लगती है आप इस तरीके से इसे बना करके फटाफट खा सकते हैं। तो लीजिए, ये बन करके तैयार हो गया, चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।